मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास कार्यालय में गुरुवार को अपने कार्यकाल का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय को जनदर्शन कार्यक्रम में महिलाओं ने महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाइयां दी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें सशक्त करने के लिए इसी प्रकार आगे भी उन्हें काम करते रहना चाहिए। जनदर्शन में मुख्यमंत्री को किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, मनरेगा, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जनदर्शन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जो कि 1 बजे तक चला। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में पहली बार अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई गई। जनदर्शन के लिए जुट रहे आवेदकों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के जनदर्शन के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता और उत्साह नजर आया। जनदर्शन में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर शामिल हुए। जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से जुटे नागरिकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और इनके त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन की जानकारियां भी ली। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माताई की, छत्तीसगढ़ माताई की। आप सभी को जय जवाहर, सादर नमस्कार। आज हम लोगों की सरकार का ये पहला जनदर्शन है और आज की इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण,